सांसों से साजिश करने वाला वीडियो, मरीजों से मॉकड्रिल वाला मजाक, दिखाने जा रहे हैं आपको ऑक्सीजन कांड के वो खौफनाक 5 मिनट। कोरोना काल में जिस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत सांसों पर भारी पड़ रही थी, उसी वक्त आगरा के श्री पारस अस्पताल में 26 अप्रैल को ऑक्सीजन कांड के दावे किए जा रहे हैं। ये दावे सामने आए कुछ वीडियो के जरिए हो रहे हैं। इस वायरल वीडियो की एबीपी गंगा पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में कैद बातों में 26 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल में 96 मरीजों के भर्ती होने की बात सामने आई है। उसमें से ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 22 मरीजों के छंटने की बात कही जा रही है। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, समझो बात, पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दो से बंद, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खुल गए, 22 मरीज छट गए, भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल, नीले पड़ने लगे, नीले पड़ने लगे, ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा, फिर वो सलाह अपना अपना सिलेंडर लाओ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। 26 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल के पास सिर्फ 12 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। सभी की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता था, लिहाजा श्री पारस अस्पताल में एक मॉक ड्रिल की गई। 12 घंटे का समय, या तो जैसे मर जाएंगे, दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है, फिर हर वार्ड में फोन किया, पहले पूरा लोग निकाला, 1 घंटे तक फोनबाजी चली, इन दौड़ गई, कैसे बचे मरीज, फिर सोचा, फिर एक पत्र लिखा 1 बजे से पहले, पत्र डीएम साहब को ना, मरीजों के संबोधन, मरीजों के संबोधन सूचना, ये घटना ऐसी आगरा में पावर सप्लाई खत्म हो रही है ऑक्सीजन की, और आप लोग अपना समय रहते इंतजाम कर लें, सुबह 10 बजे तक का समय है, वो पत्र नरेंद्र को, गौरव चौहान को, फिर प्रधान जीत को इकट्ठा करके चस्पा करा दिया, वायरल हो जाएगा, सही है, बाद में पकड़ लो, फोटो खींचे, सबको पढ़ा दिया वार्डो ने, 2:30 बजे तो हड़कंप मच गया हॉस्पिटल, पब्लिक इकट्ठी होगी, बात सब घेराबंदी चारों तरफ, मरीज के अफरा तफरी, जीवन ज्योति को तो घूम मार पीट हुई, हमने एक घटना कुछ नहीं, घटना कुछ नहीं, अफरा तफरी मच गई, फिर हम बाहर रिसेप्शन पे आए, कई लोग खड़े थे लॉबी में, उनको समझाया कि वो ये सिचुएशन आ रही है, अरे साहब हम तो मरे जिए जाएंगे कहाँ, बेड तो कहूँ है ना, और ऑक्सीजन कहूँ है ना, जब जान ना मिल रही तो कहूँ नहीं मच जाएंगे, सबने मना कर दिया एकदम ध्वनि मत से, हम कहीं नहीं जाएंगे। दावा है कि वीडियो में श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद ये बातें कह रहे हैं। इसी बातचीत का आगे का हिस्सा भी सुनिए। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, पूरे मर गए, ये तो कल सफाई हो गई सर, हाँ हाँ सब, अच्छा नॉन कोविड, कोविड और कोविड सब, अच्छा अब 96 मरीज भर्ती, 12 घंटे का समय, अब मरीज भर्ती है 96,
96 मरीज थे यहाँ पे, पूरे मर गए। ये तो कल सफाई हो गई सर। हाँ हाँ सब अच्छा, नॉन कोविड कोविड और कोविड सब अच्छा। अब 96 मरीज भर्ती, और मेरा 12 घंटे का समय। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, पूरे मर गए। ये तो कल सफाई हो गई सर। हाँ हाँ सब अच्छा, नॉन कोविड कोविड और कोविड सब अच्छा। अब 96 मरीज भर्ती, और मेरा 12 घंटे का समय। दावों के मुताबिक डॉक्टर अरिंजय जैन की बातचीत वाले ऐसे 4 वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो से पता चलता है कि 26 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को छिपाने के लिए मॉक ड्रिल का सहारा लिया गया। एबीपी गंगा ने इस वीडियो में किए जा रहे दावों की हकीकत जानने के लिए खुद श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन से बात की। उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में इन वीडियो को लेकर अपनी बात भी रखी है। वीडियो के मुताबिक आरोपों में घिर रहे डॉक्टर अरिंजय जैन ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।